हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। तो आज बात करते हैं आपकी सेवेंथ मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में कि सातवें महीने में आपको क्या क्या चीज़ें खानी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं। आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर अब ख़त्म हो चुका है और ये चालू होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। और इस टाइम पे आप देखोगे कि आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, आपका पेट अब बहुत ज़्यादा आगे आने लगा है। उसके अलावा आप थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह भी फील कर सकते हो, थोड़े से क्रैम्प्स वगैरह भी फील कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके साथ में इस टाइम पे हो सकती हैं। और इस टाइम पे आपको अपनी डाइट का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे अब तक आप रखते जा रहे थे। इससे पहले हमने वीडियोस करे हैं और आई होप आपने वो देखे होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी है और क्या क्या नहीं खानी है। तो अब बात कर लेते हैं आपके सातवें महीने की कि सातवें महीने में क्या क्या चीज़ों को आपको अपने डाइट में ऐड करना है। बट उसको बताने से पहले और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको दिखेगा साथ में एक बेल आइकन, उसको आपको प्रेस करना है ताकि आगे जितने भी वीडियो हम पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो बात करते हैं आपकी सेवेंथ मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इस टाइम पे आपको लेनी है। करीब करीब वैसे ही डाइट आपको लेके चलनी है जैसे आप छठे महीने तक ले रहे थे, बट थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करी है हमने। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। तो आपको लेना है इस टाइम पे प्रोटीन, भरपूर प्रोटीन की कमी इस टाइम पे काफ़ी वुमेंस में डॉक्टर कहते हैं कि हो जाती है। तो प्रोटीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो प्रोटीन आपको किस किस चीज़ से मिल जाएगा? प्रोटीन आपको मिल जाएगा दालों से। मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे दिन में एक बाउल भर के आप दाल ज़रूर लें। ब्रेकफास्ट में हो सके तो जैसे राजमा, चने, छोले को आपने बॉईल कर लिया और उसको एक बाउल भर के आप ले लें तो काफ़ी प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके अलावा अंडा हो गया, सोयाबीन हो गए, मतलब सोया प्रोडक्ट जो भी हो गए, सोयाबीन हो गया आपका, टोफू हो गया, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में आप ऐड कीजिए। एग हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर आपके लिए। फिर आपको लेनी है कैल्शियम रिच डाइट। कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा है आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप सब कुछ ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप लीजिए तो आपको कैल्शियम जो है भरपूर इन सब चीज़ों से मिल जाता है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सब चीज़ों को आप खाइए, किशमिश हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं आपके लिए। फिर आपको ऐड करना है आयरन रिच डाइट। आयरन रिच डाइट इसलिए ज़रूरी है कि खून की कमी भी कई बार इस टाइम पे देखी जाती है वुमेंस के अंदर, क्योंकि एक छोटा सा बेबी भी है अब आपके पास में, तो आपको आयरन रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप साथ साथ आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हों जो आपको आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, बट साथ ही साथ आयरन आपको डाइट में भी ऐड करना ज़रूरी है। तो आयरन आपको मिल जाता है हरी सब्जियों से, जितना हो सके इस टाइम पर हरी सब्जियाँ आप खाइए। जितने भी सीड्स हो गए वो आप लीजिए इस टाइम पे। ड्राई फ्रूट्स की पहले भी मैंने आपसे बात करी, उन सबको आप लीजिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपका आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब पूरा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अपने डाइट में आप ऐड करके चलिए। मैग्नीशियम रिच डाइट इस टाइम पे आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है आपको मसल में पेन हो रहा हो, आपको कुछ क्रैम्प्स वगैरह फील हो रहे हो, तो वो आपका आपको मसल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मैग्नीशियम रिच डाइट। मैग्नीशियम किस किस चीज़ में होता है? मैग्नीशियम होता है आपका बादाम में हो गया, पम्पकिन सीड में हो गया। तो ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उसके अलावा ज़रूरी है विटामिन सी, जिसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हो सकता है आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होगे या आयरन रिच डाइट भी आप ले रहे हो, तो इस टाइम पे विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि वो आपको आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो उसको ज़रूर आप लीजिए। विटामिन सी आपको किस किस चीज़ में मिल जाएगा? मैक्सिमम जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गई, नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी भरपूर होता है। उसके अलावा शिमला मिर्च हो गया, ब्रोकली हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब से आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। फिर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉलिक एसिड मिल जाएगा आपको हरी सब्जियों से और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनसे। तो ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल कीजिए।
आपको लेना है ऐसा फूड जिसमें फॉलिक एसिड भरपूर हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। फॉलिक एसिड आपको किस किस चीज़ से मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हरी सब्जियों से, ओट्स से, संतरे से, ये सब चीज़ों में फॉलिक एसिड जो है भरपूर होता है। उसके अलावा फाइबर रिच डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए। फाइबर जो है आपको हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आपके साथ में चल रहा है तो कॉन्स्टिपेशन से आपको काफ़ी आराम देता है। फाइबर आपको लेना है, फाइबर आप ले सकते हो सब्जियों के थ्रू। काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिसमें जो फाइबर रिच होती है, तो सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। दालों में भी आपको फाइबर मिल जाता है। उसके अलावा जो फाइबर आपको मिलता है, रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज़ें आप लीजिए, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, इससे काफ़ी फाइबर आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल ये सबको मिला के जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सबको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी बनी रहेगी। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी डाइट लेना, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में जान लेना जो प्रेगनेंसी के टाइम पे इस टाइम पे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 7th मंथ में जैसे जैसे आपका वेट भी बढ़ गया है, आपको इस टाइम पे आप देखोगे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आपका पेट का भी वेट काफ़ी बढ़ जाता है, ब्लैडर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा स्पाइसी फूड कम कर दीजिए। अब तक आप थोड़ा सा ले भी रहे थे तो उसको काफ़ी हद तक कम कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है और आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सब चीज़ों को आप नहीं लेंगे तो थोड़ा सा कम रहेगा। तो स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड इस टाइम पर आप नहीं लीजिए। मन कर रहा है तो एक आध हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लीजिए। कैफीन को काफ़ी कंट्रोल इस टाइम पे कर लीजिए। अगर अब तक आपको क्रेविंग्स हो रहे थे चॉकलेट के, आपको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था और अब तक आप थोड़ा बहुत ले भी रहे थे, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाहर के जितने भी ड्रिंक्स हैं उसको नहीं लेना, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे डायबिटीज़ वगैरह का होने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस टाइम पे इस टाइम पे जो है बाहर के ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कॉफ़ी वगैरह नहीं लीजिए क्योंकि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा सा इचिंग वगैरह हो सकती है, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अनपास्चराइज्ड मिल्क मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, हालांकि काफ़ी फैमिलीज़ में ट्रेंड होता है कि हम जो एनिमल मिल्क है वो प्रेफर करते हैं, बट इस टाइम पे नहीं लीजिए क्योंकि आपका स्टमक वगैरह डिसबैलेंस इस टाइम पे हो सकता है, मतलब आपको लूज मोशन वगैरह या समटाइम्स वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है क्योंकि डाइजेशन इस टाइम पे स्लो है। हो सकता है वो दूध अभी तक आपको प्रेगनेंसी से पहले तक आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो बट इस टाइम पे आपको वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो अनपास्चराइज मिल्क आपको नहीं लेना है, सॉफ्ट चीज़ आपको नहीं लेना है क्योंकि वो भी अनपास्चराइज मिल्क से बनता है, उसका ध्यान रखना है। अल्कोहल टोबैको वैसे भी इंडिया में बहुत ही रेयर वुमेंस है जो लेती हैं, बट फिर भी अब तक आप ले रहे थे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, उस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जिसमें सोडियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सोडियम ज़्यादा होने की वजह से आपको स्वेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम जो है इस टाइम पर आ सकता है। तो अचार वगैरह का खाने का अब तक आपका मन कर रहा था तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अचार हो गया, जितने भी चटनीज हो गई, सॉसेज हो गई, इन सबको इस टाइम पे आप अवॉइड करके चलिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप अवॉइड करते हैं तो, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करके इस टाइम पे चलना है। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को काफ़ी कम आप लीजिए या हो सकता है तो अवॉइड करके चलिए। फिर साथ ही साथ थोड़ा सा टिप्स की भी बात करते हैं कि 7th मंथ में आपको क्या क्या चीज़ों का और ध्यान रखना है। वो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक शेड्यूल बना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में दो एक स्नैक आप लेते हो। तो इस टाइम पे जो आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो वो आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको सुबह के टाइम पर ही मिल जाए और ब्रेकफास्ट जो है आप हैवी कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन होता है आपके पास डाइजेशन के लिए। तो क्योंकि खाना ऑलरेडी स्लो डाइजेस्ट हो रहा होता है तो अगर आप ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हो तो पूरा दिन बॉडी को मिल जाता है कि जितना भी न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर सकती है और उसके अलावा जो खाने को है आराम से डाइजेस्ट बॉडी कर पाती है। तो आप कोशिश कीजिए इस टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, मतलब दूध इस टाइम पे आप ले लीजिए, जितना भी आप पी सकते हैं या जितना भी आप पी रहे हैं इस टाइम पे दूध लीजिए। उसके अलावा बॉयल, जैसे मैंने आपको बताया चने, राजमा, दाल, ये सब काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे वाइट छोले हो गए, चने हो गए, काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो कभी कुछ इस तरीके से एक बाउल भर के बॉयल्ड आप सुबह को खा सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगा।
ओवरऑल फाइबर भी आप इस टाइम पे ले सकते हो, जैसे थोड़ा सा ओट्स बना लिया या थोड़ा सा दलिया बना लिया, उसे दूध भी आपके अंदर चला जाएगा, दलिया या ओट्स के थ्रू फाइबर भी चला जाएगा। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट को जो है थोड़ा सा रिच रखिए। उसके बाद बात करते हैं लंच की, तो लंच में कोशिश कीजिए कि सब चीज़ें हों आपके पास में। लंच में आपको चपाती भी ज़रूर लेनी है, थोड़ा सा राइस लीजिए। राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है जो आपको एनर्जी बरकरार रखता है आपकी, तो थोड़े से राइस आप लीजिए। दाल आपको पूरे दिन में खाना बहुत ज़रूरी है, वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा सैलेड हो गया, तो एक थाली आपकी इस टाइम पर तैयार हो जानी चाहिए या एक अच्छा प्लेट आपका रेडी हो जाना चाहिए लंच के लिए। फिर नंबर आता है आपका स्नैक का, क्योंकि एक टी टाइम होता है जब आपको कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि लंच और डिनर में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा लाइट रखिए, क्योंकि अभी आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, लंच किया हुआ है, फिर आपको डिनर भी करना है। तो जो टी टाइम में आप स्नैक ले रहे हो उसको थोड़ा सा लाइट रखिए। आप स्नैक में आप क्या ले सकते हो, कभी थोड़ा सा मखाना ले लिया, कभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया, या थोड़ा सा फ्रूट्स ले लिए, या कभी सूप पी लिया, तो इस तरीके से आप अपना स्नैक अरेंज कर सकते हो। फिर नंबर आता है डिनर का, तो डिनर को जितना हो सके लाइट रखिए, क्योंकि डिनर करने के बाद कुछ देर के बाद हमें सोना ही होता है। बहुत ज़्यादा वॉक या एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान, एक लाइट वॉक आप ले सकते हो, बट डिनर जितना हो सकता है आप लाइट रखिए। जैसे कि खिचड़ी आप ले सकते हो, दाल चावल आप ले सकते हो, अगर आपको फिर भी भूख ज़्यादा लग रही है तो एक चपाती भी ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा खाना आप इस टाइम पे नहीं खाइए डिनर के टाइम पे। वो आपको सोने में भी प्रॉब्लम कर सकता है, वो आपको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर रात के टाइम में आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ों को करना है, उसके साथ में पीना है आपको बहुत सारा पानी, मतलब फ्लूइड्स जितना भी हो सके लेना है, पानी तो पीना ही है, साथ में कोकोनट वाटर पी सकते हो, लेमन वाटर पी सकते हो। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अपने डॉक्टर से बात करके जितना भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप कर रहे हो या जो भी मील आप ले रहे हो उसके बाद में थोड़ा सा हल्का वॉक कर लीजिए, जिससे डाइजेशन में आपको हेल्प मिले। तो थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर आपके लिए। और डॉक्टर ने आपको जितने भी मेडिसिंस बताई हैं उन सबको लेते रहना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, जब भी मन करे आराम करना है। बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी और बहुत स्मूथ होगी और बहुत अच्छी प्रेगनेंसी होगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।